हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। और आज आप सभी को बताने वाला हूँ हिंदी प्रश्न पत्र, मतलब अपने हिंदी प्रश्न पत्र को कैसे लिखें, क्योंकि उसमें गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कविताएं सब आपको उसमें लिखना रहता है। तो अलग अलग स्टेप कर आप सभी को लिखना रहता है, सबका अलग अलग एक तरफ से रूल रहता है किस तरह लिखें कि जो एग्जामिनर है उसको अच्छा दिखे, क्योंकि 2019 की परीक्षाएं बहुत ही कठिन आप सभी को होने वाली हैं। तो मैं उसको आसान तरीके से बता दे रहा हूं आप कैसे लिखें। तो आइए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा क्या हमने आपको बताया है, और छोटी छोटी पॉइंट को आप नोट करते जाएंगे क्या हमने गलतियां की हैं। तो इससे क्या होगा कि जो गलतियां आपने की हैं उसको आप सही करने के लिए कोशिश करेंगे। तो आइए हिंदी प्रश्न पत्र को कैसे लिखें। तो सबसे पहले आपका दिया रहता है गद्यांश, कोई आप गद्यांश दिया रहता है तो उसको कैसे लिखें। तो आप सबसे पहले जो क्वेश्चन रहेगा आपका उसको नोट करेंगे किस प्रश्न पत्र का है। तो हम मान लेते हैं प्रश्न संख्या 1 है, ये हमने मान लिया, इसको ब्रैकेट में आप कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे आप, और उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप उत्तर लिखेंगे। ये जो हमने बता दिया अपने पिछले वीडियो में ही आप सभी को कैसे लिखा जाता है कॉपी, तो अपना मेरा वीडियो वो देख लेंगे, लास्ट में मैं दे दूंगा उसको। और ये रहा आपको गद्यांश लिखने का तरीका कैसे लिखा जाता है। तो आपका जो गद्यांश रहेगा वो पूरा रहेगा आपके लिए। तो आप क्या करेंगे, जो गद्यांश रहेगा क रहेगा उसका, तो क आप दो ऑप्शन दिया रहता है आपको करने के लिए, तो क दिया रहेगा क लिख लेंगे, और ख दिया रहे तो ख लिख लेंगे। तो क में दिया रहेगा अगर जो, तो शुरू का कुछ आप ले लेंगे, जैसे मैं ले रहा हूं भूमि का निर्माण, डैश डैश धर्म है, ये आप इस तरह लिख लेंगे कुछ, जिसे एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा आप कौन सा पदांश यूज कर रहे हैं, गद्यांश आप कौन सा यूज कर रहे हैं। तो इसका क्या क्या लिखना रहता है आपको, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, तीन चीजें ऐसे रहती हैं जो आप लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलता है। तो ये जो लिया गया है ये राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है आपका। तो आइए इसको कैसे संदर्भ लिखा जाता है, तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे एक लाइन छोड़कर, आप संदर्भ लिखेंगे एक लाइन छोड़कर, इसको एक तरफ से हेडिंग आप मान लेंगे, ब्लैक पेन से आप हेडिंग देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ क्या लिखेंगे आइए हम बताते हैं। तो आप किस तरह लिखेंगे, जो बता देंगे जो कॉमन चीजें रहती हैं इसमें, कोई भी संदर्भ आए, बस उसका जो राइटर जो उसके रचयिता रहते हैं वो बदलते हैं साहित्यकार, और जो उसका लेसन रहता है वो बदलता है, बाकी सब वो गद्यांश ही रहता है। तो सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश प्रसिद्ध साहित्यकार, अब जो लिखेंगे जो आपके इसके रचयिता जो साहित्यकार हैं उसको आप क्या करेंगे, जिनका नाम रहेगा उसको आप ब्रैकेट में कर लेंगे इस तरह कुछ, अब नाम लिख देंगे उनका, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल, आप इस तरह इसको बंद कर देंगे, इसे ये मालूम चलेगा इसके साहित्यकार ये हैं, जी क्योंकि एग्जामिनर को साफ सीधे दिख जाएगा, तो ये आपको नंबर पूरा मिलने के चांस रहेंगे। उसके बाद आप अपना वही ब्लू पेन यूज करेंगे, द्वारा लिखित
जो इस नाम है इस कहां से लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप, ये आप इसको भी ये सब कर लेंगे, कोई अंडरलाइन नहीं करेगा इसे, ये ध्यान देंगे आप, नहीं लिखेंगे, अंडरलाइन नहीं करेंगे। नमक निबंध से लिया गया है। उसके बाद यह निबंध हमारी पाठ्य पुस्तक, अब जो जहां आपका जो पाठ्य पुस्तक है गद्य है, गद्य गरिमा, गद्य गरिमा में संकलित है। संकलित है ये आपका हो जाएगा संदर्भ, और उसके बाद दिया रहता है इसका प्रसंग लिखिए और व्याख्या, तो आप उसके बाद प्रसंग लिखेंगे तब आप व्याख्या लिखेंगे, तो आपका प्रसंग हो जाएगा प्रसंग लिख के आप इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे और ध्यान देंगे एक लाइन ये छोड़ देंगे, तो प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग क्या होता है, दो लाइन का लिखा रहता है, इसको पूरा बताया जाता है कि किससे संबंधित लिया गया है, तो इसी को आपको बताना है, तो आप लिखेंगे इन पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के विकास हेतु कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किए हैं। ये हो गया आपका प्रसंग, देखिए काफी दो ही लाइन में आपका है और इसमें पूरा बता दिया गया जो राष्ट्र राष्ट्र के विकास हेतु कुछ महत्वपूर्ण बातें का उल्लेख इसमें किया गया है। उसके बाद आप आ जाएगा व्याख्या, इसका व्याख्या आप भी एक लाइन छोड़ेंगे तब लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले व्याख्या, इसका पूरा व्याख्या आपको करना है, जो दिया भूमि का निर्माण धर्म से, इतने आपका पैराग्राफ एक है उसी का आपको इसमें व्याख्या करना है, तो आप लिखेंगे लेखक के अनुसार, इतना आप कॉमन चीजें हैं अनुसार आप ये लिख लेंगे, इसके आगे आप व्याख्या कर लेंगे, आप लेखक के अनुसार इसमें आप अपना व्याख्या कर लेंगे अपने बुक से देखकर, या जो आपको आता रहे उसी को करने की एग्जाम में कोशिश करें, अच्छे से उसको लिखें। ये हो गया व्याख्या। अगर आपको जीवन परिचय आ जाए गद्यांश से आपका जीवन परिचय आ जाए तो उसको किस तरह लिखें, तो मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को देखते ही रहिए। तो आपको जीवन परिचय लिखना है, तो जीवन परिचय आपको लिखना है, तो आप जो जिनका जीवन परिचय लिखना है वो आप वो लिख लेंगे, किन के किस पे लिखना है, तो आप मान लीजिए सब हम मान लेते हैं कई ऑप्शन आपको दिया रहता है, किसी एक का जीवन परिचय लिखना है तो इस तरह कर्ण लिखेंगे, और जो जिनका जीवन परिचय लिखना है
हरिशंकर परेसाई। जीवन परिचय लिखने में मुझे काफी टाइम लग जाएगा जीवन परिचय बताने में आपको, तो मुख्य मुख्य हेडिंग आपको बता देते हैं किस तरह लिखना है। अगर किसी भी परेशानी हो तो आप मेरे कमेंट में कह सकते हैं कि सर इसका नहीं समझ में आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ही। तो यहाँ पे इनका जीवन परिचय सबसे पहले, जीवन परिचय लिखेंगे पूरा, तब साहित्यिक परिचय लिखेंगे, उसके बाद इनका, उसके बाद हेडिंग इस तरह आप देते जाएंगे, इनकी कृतियां लिखेंगे, कृतियां के बाद इनकी भाषा लिखेंगे, भाषा लिखेंगे तब, उसके बाद शैली, उसके बाद हिंदी साहित्य में स्थान, आपको इतना चीजें लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलता है। क्या होता है कि कई बच्चे पूरा नहीं लिखते हैं ये, तो इसीलिए आपका जो 5 नंबर में रहता है या 7 नंबर में रहता है उससे कम ही नंबर आपको मिलता है। तो क्या होता है कि बच्चे कहते हैं कि मेरा नंबर कम हो गया इस तरह, तो इस तरह आप पूरा लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये तो बात हो गई गद्यांश की, अब आते हैं पद्यांश। पद्यांश में क्या क्या लिखना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ आप सभी को इसी वीडियो में। तो ये रहेगा आपका गद्यांश। अब पद्यांश में लिखेंगे, कोई पैराग्राफ आप लेंगे, जो पैराग्राफ लेंगे उसका शुरू से अंत तक एक बार जरूर पढ़कर आप शुरू और लास्ट का लाइन लिख लेंगे, ज्यों ज्यों लगती अमृत दान, ये आपका हो गया एक पद्यांश है आपका पूरा एक पैराग्राफ का। तो इसका भी दिया रहता है संदर्भ सहित प्रसंग लिख के व्याख्या कीजिए, तो इसका संदर्भ आप लिखेंगे किस तरह, सेम प्रोसेस आपको गद्यांश की तरह जाता है ये, लेकिन कुछ चीजें इसमें बदल जाएगा तो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश प्रमुख कवि, आप पे जिनका भी नाम लिखेंगे। क्या होता कि कई बच्चे यहाँ पे जो जगह देखिए इतने में इनका नाम नहीं हटेगा, पंडित सुमित्रानंद पंत जी, इनका नाम पूरा नहीं हटेगा तो आप ये यहाँ पे डैश दे देंगे, ठीक। तो इससे मालूम होगा कि अगले लाइन में इन्हीं का दिया गया है नाम। सुमित्रा नंदन पंत जी, अब इनको इस तरह ब्रैकेट में बंद कर लें। यही हम फॉर के गद्यांश में किए थे, गद्यांश में जो किए थे वही पद्यांश में भी करेंगे। द्वारा रचित कविता संकलन, और जो चैप्टर का नाम है आपका गुंजा, गुंजन से हमारी पाठ्यपुस्तक, और पाठ्यपुस्तक का नाम आप काव्य काव्यांजलि, ये हो गया।
संकलित नौका विहार नामक शीर्षक कविता से लिया गया है। ये हो गया आपका संदर्भ। आप देखेंगे कि जो ये भी आपका ब्रैकेट में ये भी कॉमन चीजें हैं जो आप लिखेंगे, जो मेन रहेंगे इसके, आप इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे और उस चैप्टर का नाम भी ब्रैकेट में, किससे किस पुस्तक से लिया गया है इसका भी नाम ब्रैकेट में। बाकी चीजें कॉमन है आपको, जो गद्यांश में बताया मैंने, और इसका प्रसंग, प्रसंग जो मैंने बताया कि दो लाइन में लिखा जाता है, तो इसका प्रसंग आप लिख लेंगे दो ही लाइन में। सेम उसी तरह है जो गद्यांश में लिखा गया है, उसी का जिस चैप्टर का लिया गया है गुंजन, इसी के बारे में आप थोड़ा सा दो लाइन में लिख लेंगे। व्याख्या, व्याख्या भी आप, व्याख्या आप 7-8 लाइन लिखेंगे आप, लगभग आप 7-8 लाइन, मतलब इतना पैरा, जितना पैराग्राफ दिया रहेगा उससे थोड़ा दो लाइन अधिक लिखेंगे, क्योंकि उससे लगेगा कि आपने व्याख्या किया। तो ये हो गया आपका व्याख्या। आपको उसके बाद आता है ये जो पद गद्यांश के जो सुमित्रानंद पंत है, इनका भी जीवन परिचय अगर आ गया आपको लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे। तो अगर इनका जीवन परिचय आ गया लिखने के लिए तो आप सबसे पहले हेडिंग देंगे सुमित्रा नंदन पंत, इस तरह आप हेडिंग देंगे बड़ा सा, तब आप जीवन परिचय, इनका जीवन परिचय, जीवन परिचय, मैं हेडिंग बस बता दे रहा हूँ क्या क्या आपको लिखना रहेगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। साहित्यिक योगदान, रचनाएं, जो आपने गद्यांश में लिखा है, सॉरी देखिए यहाँ पे एक चीज गलती मैंने बता दी आपको, यहाँ पे पद्यांश रहेगा, जो मैंने गद्यांश में बताया वही आपको पद्यांश में भी लिखना है जीवन परिचय में। तो ये हो गया आपका भाषा। उसके बाद शैली और हिंदी में आस्था, केवल आपको इतना ही पॉइंट लिखना है, सब पॉइंट पे एक एक नंबर, दो दो नंबर है आपके, तो आपको इतना चीज लिखेंगे तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। आइए हम एक बार और रिपीट आपको कर देते हैं शॉर्टकट में। हिंदी प्रश्न पत्र है आपका, दिया रहेगा एक पैराग्राफ, उसका संदर्भ लिखेंगे, जो संदर्भ के साहित्यकार रहेंगे उसको ब्लैक पेन से, और जो उससे लिखित गया है उसको भी आप ब्लैक पेन से, और इस किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया उसको भी ब्लैक पेन से, इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे, और जब संदर्भ लिख लेंगे एक लाइन छोड़ देंगे आप। उसके बाद प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे, और जो ये हरिशंकर परसाई का आप जीवन परिचय लिखेंगे, किन्हीं का भी जीवन परिचय, तो इतना चीजें कॉमन रहती है, आपको पूरा लिखना होगा, इस तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये हो गया पद्यांश, आपका पद्यांश हो गया, एक पैराग्राफ इसका भी दिया रहेगा, और जो इसके कवि रहेंगे उनका भी नाम ब्लैक पेन से, जो मैंने गद्यांश में बताया, और इससे किस कवि से संकलित है, गुंजन से संकलित है, और पाठ्य पुस्तक हमारे काव्यांजलि से लिया गया है, ये संकलित है, तो इसको आप ब्लैक पेन से ध्यान देंगे, प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे। उसके बाद है सुमित्रानंद पंत का जो दिया है जीवन परिचय इनका लिखने के लिए, तो इस तरह है। फिर आपने अगर कोई अंतर नहीं रहता है गद्यांश पद्यांश का जीवन परिचय एक ही तरह से लिखा जाता है, तो इतनी चीजें कॉमन रहती है, आपको पूरा लिखना होगा। तो ये रहा आज का मेरा वीडियो, अगर आपको जिस भी चीज का वीडियो चाहे मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और थैंक यू आप सभी का।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरी कोई और भी वीडियो आप नहीं पा रहे हैं तो स्टडी विद विशाल सिंह सर्च कीजिए यूट्यूब पे, आप मेरा पूरा वीडियो आप पा जाएंगे, या हैशटैग विशाल सिंह सर्च करेंगे तब भी आप मेरा पूरा वीडियो पा जाएंगे। तो ये रहा मेरा आज का भी टॉपिक। आप किसी भी टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि एग्जाम बहुत अब नज़दीक आने वाला है धीरे धीरे। तो आप वीडियो देखने के लिए थैंक यू आप सभी का, और मेरे सब्सक्राइबर्स में 870 हो चुके हैं, तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके 1K तक आप पहुंचाइए, आपको कुछ नया वीडियो और भी मैं दूंगा। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। I can make a Wi-Fi get away.